राजा त्रिवेण कुलिता कहते हैं राजा त्रिवेण को कोई संतान नहीं था। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र के प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर त्रिवेण की पत्नी मालिनी को यमुना के लिए बनाने के लिए इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन वो पुत्र मृत पैदा हुआ। त्रिवेण पुत्र को लेकर संस्थान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देव सेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वो सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश में उत्पन्न हुई है, इसी कारण वो सृष्टि कहलाती है। उन्होंने राजा को अपनी पूजा और दूसरों को पूजा करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा त्रिवेण ने पुत्र की इच्छा के कारण देवी सृष्टि की वध की और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं यह पूजा कार्तिक शुक्ल की सृष्टि को हुई थी और तभी से यह छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता जी से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता माता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिन तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। छठ पर्व किस प्रकार मनाया जाता है? छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रत करने वाले लगातार 36 घंटे का व्रत करते हैं। नहाए खाए पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना लिया जाता है। इसके पश्चात वीडियो रही।